देखिए, जेएमएम का अंदरूनी मामला, उसमें मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा मैं। जहां तक कांग्रेस के विधायकों का, सभी एक है हम लोग, और किसी में भी कोई पार्टी के विरुद्ध में कोई बातें नहीं है। और इस तरह का माहौल बनाना चाहती है, कन्फ्यूजन का माहौल, बीजेपी वो असफल होगी, विफल होगी। सवाल तो हेमंत सोरेन पर उठ रहे हैं, वो पे उठ रहा है, गठबंधन के नेता है। ऐसा है, मैंने कहा कि कमेंट उस पर नहीं करूंगा मैं, उस पर कमेंट जेएमएम पर कमेंट कैसे कर सकते। कांग्रेस विधायक गठबंधन के नेता है, तो पार्टी जो भी विधायक, माननीय विधायक का की खबर छपी है वो जेएमएम की है, जेएमएम की एक है एक दोनों हैं, तो उन पर किसी तरह की टिप्पणी देना किसी भी कांग्रेस जन को उचित नहीं होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है सीता जी, अगर ये आरोप लगाती है, जो आरोप उन्होंने लगाया है सर, उनका पूरे सरकार पे लगाया है कि अपनी सरकार में जमीन की लूट हो रही है, खनिज को लूटा जा रहा है, तो ये तो पूरी सरकार पर है। देखिए ऐसा है, सरकार पर अगर ये आरोप सरकार पर है, लेकिन सरकार में रहने के नाते और जानकारी रखने के नाते मैं कहूँगा ऐसी बात नहीं, आरोप में कोई ये नहीं है, दम नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है। ये लूट नहीं हो रही है, जमीन की भी लूट नहीं हो रही है, उल्टा जमीन की नाप जगह जगह, जो मुझे जानकारी है, सीओ द्वारा कराया जा रहा है, जो सरकारी जमीन पर जो कब्जा किए थे, अवैध कब्जा किए थे, उनके जमीन की माप की जा रही है, जो मुझे जानकारी। मेरे क्षेत्र में एक ने फोन किया कि 7 एकड़ जमीन सरकारी जमीन पर कब्जा में थे, ये सीओ नाप दिया और व्हाट्सएप में फैला दिया कि कोई नहीं खरीदेगा इसको। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये सरकारी जमीन पर आप कब्जा में थे, और सरकार अगर उसको नाप कर रही है और कह रही है आप बेच नहीं सकते हैं, तो नजायज कहाँ है, मैं तो यही जानता हूँ। और एक है कि भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है सरकार, सीता जी का आरोप। कौन भ्रष्ट आदमी है पर पदाधिकारी बताना चाहिए, हम कहें किसी को भ्रष्ट, मुझे बताना चाहिए कि भ्रष्ट है और इस कारण से भ्रष्ट है। किसी को भ्रष्ट कह देना सरकारी पदों में जो भी हैं उन पर आसान है कहना भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, लेकिन तरीके बने हुए हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, विजिलेंस बना हुआ है, सीबीआई का बना हुआ उसको रोकने के लिए, तो हमको लिख के देना चाहिए कि ये पदाधिकारी भ्रष्ट है, यहाँ यहाँ इस काम में इसने पैसे लेकर काम किया है, बताना चाहिए ना। अंदाजी बोल दिया भ्रष्ट। लोबिंदा कह रहे हैं कि जो सरकार में वैसे विधायक या वैसे मंत्री जो 1932 की बात कर रहे हैं वो मेरा साथ दे, तो रामेश्वर जी क्या जाएंगे अगर वो न्योता देंगे रामेश्वर जी को? तो रामेश्वर जी अलग विचार के आदमी, वो ओपन बोले हैं, आपका है ना, बात 1932 की नहीं है, बात 1908 की नहीं है, सबसे पहले कब हुआ था मालूम आपको पंडित जी? 1908 से शुरू हुआ सर्वे, 1932 में आप पलामू कराने वाले कब हुआ था मालूम है? 17-18 में, पलामू का आदमी है, तेज आदमी है, 17-18 में हुआ था। इस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग जिलों में सर्वे हुआ। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भाई सब सम्यक ढंग से इसका स्टडी करेंगे, और पूरी बात यही है लबोलबाब हर चीज का, यहाँ के जमीन में बसे लोग झारखंड में, ये स्थानीय है, इसमें दो मत तो है नहीं, मैं बराबर कहता रहता हूँ, क्या कहता रहता हूँ, कारण वही है। जमीन पे दो तरह के लोग बसे, एक बाय ओरिजिन, एक बाय चॉइस, तो डोमिसाइल बाय ओरिजिन को प्रेफर करेंगे या डोमिसाइल बाय चॉइस को, या दोनों को आप एक देखें? देखिए बहुत से मामले में अगर देखा जाए कानून, तो जो बाद में बसे हैं जमीन लेकर के नाजायज ढंग से लिए हैं, ट्राइबल जमीन का ओपन खुल बोलूंगा मैं, उन्होंने डीसी से परमिशन लेके ट्रांसफर कराना होता है आदिवासी की जमीन को, शेड्यूल कास्ट की जमीन को, ओबीसी की जमीन को, उन्होंने क्या डीसी से परमिशन लिया? फिर बाई डिजाइन अगर कहना चाहिए, बाई च्वाइस कहिएगा, तो क्या परमिशन लेके लिया? परमिशन के लिए दिया तो हाँ यहाँ यहीं के, लेकिन अगर जो कानून को तोड़ करके
तोड़ मड़ोड़ करके लिए हैं उन पर तो अलग ढंग से बोलना होगा ना। तो जो जायज तरीके से लिए वो है, है? मतलब जनरल का जो जमीन परचेस करके घर बनाया है वो झारखंडी है। जनरल में देखिए फिर कानून को नहीं जानते, ज्यादा मत खोजिए फिर बोलना शुरू कर देंगे। आप सीएनटी एक्ट पढ़े हैं? सीएनटी एक्ट में मनाही है ट्रांसफर जमीन का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, है ना? तो इस सब आ जाते हैं ना, गोल मटोल में सब आ जाते हैं। इसके अलावा जो इसके अलावे अगर बताइए तो अलग ढंग से क्वेश्चन करें, मतलब जनरल बोला सर। सीएनटी खाने की भी बात होता है, किस खाने से उस खाने में हो सकता है, लेकिन अपने घर उनका घर तो है ना। चाईबासा का आदमी अगर रांची में लिया है तो उसको कह थोड़े कह दीजिए कि बाहरी आदमी, यहाँ का कह सकते हैं आप नजायज हुआ, लेकिन चाईबासा कराने वाला तो उसकी जमीन है तो है ना भाई। लेकिन सर थाने का जो बाध्यता है सीएनटी में वो बाध्यता तो तोड़ रहे हैं। देखिए वो ऐसा है, आप केस बाय केस जाना पड़ेगा, किसने कैसे तोड़ा है ना, बाध्यता को कैसे तोड़ा वो तो देखना होगा। आप एक जनरलाइज वे में नहीं कह सकते कि बाध्यता को तोड़ दिया, केस बाय केस। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।